चल भी नहीं सकेगा, ऐसी गर्मी होती है और इतना रेत गर्म हो जाता है, इतनी बकरी भी चलती है तो मतलब ऐसे फथक जाती है, सांस इनकी भी उठने चालू हो जाती है, फिर पेड़ की छाया में घुस जाती है, भूख भी मरती है, साथ में इनको खाना भी पड़ता है और छाया भी जरूरी है, फिर ये ज़्यादा 1-2 बजे का टाइम होता हिल भी नहीं सकती वहाँ से। कम कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक गांव है लंबा, वहां से ये लेने के लिए सब औरतें पूरे दिन चलती रहती है ये पानी के लिए पूरा दिन। राजस्थान का जैसलमेर जिला इंडिया के सबसे गर्म इलाकों में है। यहाँ मई जून में टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री के दरमियान रहता है और कभी कभी तो ये 50 डिग्री को भी छू लेता है। इस वक्त 12:30 यहाँ बजे हैं और टेम्परेचर इस वक्त 49 डिग्री दिखा रहा है। ये खबिया गांव है और ज़्यादातर लोग अपने घरों में बंद हैं। यहाँ की रेतीली ज़मीन तप रही है और सूरज आग उगल रहा है और गर्म लू के थपेड़े ज़िंदगी को यहाँ इंतहाई मुश्किल बना देते हैं। जगह जगह पत्थरों की खुदाई हो चुकी है, वहाँ जहाँ देखो वहाँ पानी है उसको रोका। मई थोड़ा बहुत भी बारिश होती थी इन खेतों में पानी आ जाता था, मई जून का महीना इन पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती थी। अब वो पानी पूरा धीरे धीरे रुक रहा है। समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं हो रहे हैं जहाँ बाकी का देश पहुँच चुका है। और आज भी हमारे गांव में बहुत सी बेसिक समस्या, जैसे पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता है, बरसात नहीं होती है तो जो तालाब वगैरह वो भी खाली हो जाते हैं, फिर तो और भी ज़्यादा समस्याएँ पैदा हो जाती है।